आज जो हम पढ़ने वाले वो हम पढ़ने वाले 2D एरे की। 2D एरे क्या होता है? 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे में क्या क्या होएगा हमारे पास? हमारे पास रोज होगी एंड कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो आपको जो 2D एरे लेंगे, इसमें इस तरह का रोज एंड कॉलम्स दोनों होंगे हमारे पास, ठीक है। सो लेट से 0 0, तो ये क्या हो गया? 0th रोज, 0th कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो 0th कॉलम एंड सेकेंड रो 0th कॉलम, ठीक है। 0th रो 1th कॉलम, फिर ये 2th कॉलम। तो ऐसे ये जो मैट्रिक्स हो गया वो कितने का हो गया? 3 by 3। तो ये 2 डायमेंशनल का क्या हो गया? एरे हो गया। तो अब 2D एरे के में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग किस तरह से इसका प्रोग्रामिंग करते हैं आज वो देखने वाले हैं। हम इसमें रो मेजर, कॉलम मेजर ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रोग्रामिंग हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे का हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले void main। main क्या होता है? एंट्री पॉइंट ऑफ फंक्शन होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग का एंट्री पॉइंट होता है। पर उससे पहले मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, तो मैं क्या करूंगी? हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, दैट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एंड हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, दैट इज कंसोल से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो कोनियो इनपुट आउटपुट पे हो गए। हम लोग इसको सेव करेंगे बिन के अंदर। हमारा ये कहाँ पे जाएगा? बिन में, तो सी ड्राइव में। ठीक, डन। अब इसमें क्या हो रहा है हमारा? सबसे पहले void main के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? 2D एरे बनाना है, तो हमने लिखा int a, a नाम का एरे लिखा, और इसमें रो और कॉलम। 2D एरे में हमेशा दो ब्लैंक्स आते हैं, तो ये हो गया रो के लिए और ये हो गया कॉलम के लिए, ठीक है। मेरे को रन टाइम के समय यूजर से रो की साइज चाहिए और कॉलम की साइज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रो और कॉलम नाम के दो वेरिएबल बना दिए, डन। अब CLR SCR यानी क्या होता है? क्लियर द स्क्रीन, जो भी इनपुट आउटपुट पे शो हो रखा है उस आउटपुट विंडो को क्लियर कर दो। मैंने यूजर से पूछा एंटर द रो साइज, रो साइज को एंटर करवा रही हूं मैं यूजर से, ठीक है। यूजर रो साइज को एंटर करेगा यूजिंग स्कैनफ। तो रो साइज किसमें? इंटीजर है, तो हम लोग परसेंट डी लिखेंगे, कॉमा एम परसेंट। एड्रेस पे स्टोर करवाना है हमको, किसके एड्रेस पे? रो के एड्रेस पे, डन। ऐसे ही हम लोग यूजर से पूछते हैं नेक्स्ट कॉलम साइज। सो स्लैश एन माने होता है न्यू लाइन में आ जाना, एंड वी आर राइटिंग एंटर कॉलम साइज, कॉलम की साइज को एंटर करवा रहे हैं हम लोग। किससे एंटर करवाएंगे? स्कैनएफ से एंटर करवाएंगे, परसेंट डी कॉमा एम परसेंट कॉलम। यूजर को हम लोग बोल रहे हैं कि एड्रेस ऑफ कॉलम पे जो कॉलम की वैल्यू है इसको स्टोर करवा दो। हमने रो और कॉलम ले लिया, यानी कि जो भी हम लोग रो और कॉलम लेंगे उतने साइज का मेमोरी में हमारा क्या बन जाएगा? एरे बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। जो भी हम लोग रो साइज और कॉलम साइज लेंगे उस तरह से। अब क्या हुआ? इस एरे के अंदर मुझे वैल्यू को एंटर करवाना है, तो अब हम लोग क्या लिखाएंगे? वैल्यू एंटर कर लूप लिखेंगे, ठीक है। वैल्यू एंटर में क्या होगा? हमें क्या करना है? रो और कॉलम के लिए लूप चलाना है। तो सबसे पहले जो लूप चलेगा वो किसके लिए होगा? रो के लिए होगा, ठीक है। और रो के अंदर जो लूप चलेगा, हर रो के लिए कितने कॉलम होंगे? तो रो के अंदर जो फॉर लूप चलेगा वो किसके लिए होगा? कॉलम के लिए होगा। यानी फॉर एवरी रो, मतलब अगर मैं 2D एरे की बात करूं तो ये होता है 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे। लेट से 3 by 3 का है, तो 0 1 2 एंड 0 1 एंड 2,
तो ये 3 by 3 का एरे हो गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, हर रो के लिए, ये 0 रो के लिए तीनों कॉलम की वैल्यू चाहिए 0, 1, 2, यानी 4 लूप होंगे, ये होगा रो का, हर रो के लिए तीनों कॉलम, मतलब हर रो के लिए 4 लूप एग्जीक्यूट होगा, किसका, कॉलम का, इस तरह से। तो अब हमको क्या करना है, मतलब अब मेरे को आई और जे लेने, दो वेरिएबल, एक है रो के लिए और एक है कॉलम के लिए, ठीक है। फोर, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कहाँ से इनिशियलाइज करना है, 0 से लेकर सबसे पहला जो रो का लूप है वो कहां तक चलेगा, जब तक लेस देन रो तक है, रो की साइज तक ही चलेगा, और जो कॉलम का लूप है वो कहां तक चलेगा, कॉलम की साइज तक चलेगा। तो j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन कॉलम एंड j प्लस प्लस, डन। अब कॉलम के अंदर क्या करना है, अब क्या करना है मुझे, वैल्यू लेनी है यूजर से। तो सबसे पहले मैंने यूजर को बोला कि तुम एंटर करो वैल्यू को, तो एंटर वैल्यू एट a ऑफ परसेंट d एंड देन परसेंट d, ठीक है। अब ये जो 2% d है वहां पे मैं लिखना चाहती हूँ i n j, तो पहले पे आएगा i, दूसरे पे आएगा j, मतलब कि कौन से रो और कौन से कॉलम की वैल्यू को एंटर करवाना है। देन स्कैन है परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ए ऑफ आई एन जे, मतलब वैल्यू जो है वो किसके अंदर डालनी है, ये जो एरे ए है इसके अंदर वैल्यू डालनी, दिस वन, इस ए के अंदर वैल्यू डालनी है, और उसकी आई और जे पे, मतलब लेट से सबसे पहला लूप हुआ, आई क्या है 0 है और जे भी क्या है 0 है, तो यानी कि a ऑफ 0, 0 पे वैल्यू डाली, लेट से यूजर ने है ना 20 वैल्यू डाली, तो a ऑफ 0, 0 पे क्या आ गया 20 आ गई। अब सबसे पहले इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, j प्लस प्लस हुआ, j क्या हो गया 0 से लेकर 1 हो गया, डन। अब i तो 0 ही है, j क्या है 1 है, तो 0, 1 पे लेट से 12 वैल्यू डाल दी, अगेन j प्लस प्लस हुआ, कंडीशन चेक हुई, j क्या हो गया 2 हो गया, क्या 2 लेस देन कॉलम है, कॉलम कितना है 3 है, हाँ लेस देन है, तो 0, 1 पे क्या डाल दिया, लेट से 13 डाल दिया, अगेन j प्लस प्लस हुआ, j क्या हो गया 3 हो गया, अब 3 लेस देन कॉलम तो नहीं है, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इस लूप के बाहर आके इधर आ गया, बाहर वाले 4 लूप पे आ गया और i को इंक्रीमेंट कर दिया, i क्या हो गया 1 हो गया, अगेन i 1 के लिए अंदर वाला 4 लूप हुआ, अगेन j कहां से शुरू हुआ 0 से, फिर अगेन j 0 1 2 तीनों के लिए चलेगा, i प्लस प्लस हुआ, i क्या हो गया 2 हो गया, अगेन 2 के लिए j शुरू 0 से शुरू हुआ और चलेगा पूरा 0 1 2 तक, अगेन लूप के बाहर आ गया, i क्या हो गया 3 हो गया, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, लूप के इधर टर्मिनेट हो गया, ये लूप के बाहर आ गया। तो ये तो क्या हुआ, हमारा पूरा एरे डल गया। अब इसको प्रिंट करवाना है, लेट्स से अब मैं क्या लिख रही हूं, प्रिंटिंग ऑफ एरे, प्रिंटिंग और आई कैन से ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग माने होता है कि एरे की वैल्यू को क्या करना, रीड करना, एक एक एरे की वैल्यू को रीड करना, ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। अगेन ट्रैवर्सिंग करने के लिए भी वही 2 लूप चाहिए होंगे, ठीक है। 2D एरे स्विच केस का यूज नहीं कर सकते, सॉरी किसका यूज नहीं कर सकते, स्विच केस 1D में किया था, किसका यूज, मैं नहीं समझ पा रही, किसका यूज किया था 1D में, स्विच केस 1D में स्विच केस का यूज किया, अच्छा, था। सी पवन, स्विच केस जो होता है ना वो क्यों यूज करते हैं, कंडीशन के लिए। अब मैं तो यहाँ पे केवल एक 2D एरे क्रिएट का प्रोग्राम लिख रही हूँ, मैं कोई इसके अंदर स्विच केस कब हमने यूज करा था, क्योंकि हमको यार बिगनिंग से इंसर्ट करवाना था 1D एरे में, एंड से इंसर्ट करवाना था, डिलीट करना था, सब कुछ एक ही प्रोग्राम में करना था, तो मुझे क्या करना था, सिलेक्शन करने थे, जो काम करना है उस, वो जो भी टास्क करना है, इंसर्शन करना है तो
टास्क एक करना है तो उसके लिए टास्किंग के लिए मैंने स्विच केस दिया था। यहाँ पे मुझे एक ही टास्क करना है प्रिंट करने का, तो मेरे को स्विच केस की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मल्टीपल टास्क करने हैं, लेट से आप अलग अलग केसेस बनाना चाहते हैं, एंट्री का अलग बनाना चाहते हैं, इंसर्शन का, ट्रैवर्सिंग का अलग बनाना चाहते हैं, डिलीशन का अलग बनाना चाहते हैं, तो उस केस पे आपको इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहती नहीं हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग स्विच केस। समझ में, कंडीशंस लेने के लिए, सिलेक्शन कंडीशंस लेने के लिए स्विच केस की जरूरत होती है। ना अब मैं यहाँ पे ट्रैवर्सिंग कर रही हूँ। ट्रैवर्सिंग में मेरे को क्या करवाना है, नॉर्मल सा प्रिंटिंग देना है। ठीक है, अब प्रिंट क्या देना है, मुझे एरे की फॉर्मेट में प्रिंट देना है, यानी कि हर बार मेरा एक परसेंट डी, ठीक है, कॉमा ए ऑफ आईजे, ये प्रिंट होना चाहिए। मतलब जो भी आईजे की वैल्यू है वो प्रिंट हो चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, एक पूरा प्रोग्राम हो गया 2D एरे का। अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करती हूँ, लेट से टूडी एरे आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, तो मेरा बिन में है, let me restart it once again, hold on, ये वाला प्रोग्राम है हमारा 2D एरे का। अब हम इसमें कैच लिख देते एक, तो सो दैट हमारा आउटपुट विंडो पे आउटपुट विजिबल हो जाएगा, गेट अ करेक्टर, है ना। देखो एंटर रो साइज लेट से 2, कॉलम साइज इज 2, तो 00 पे वैल्यू एंटर करी 12, 01 पे एंटर करी 13, 10 पे 14 एंड 11 पे 15, 12, 13, 14, 15 एक साथ अपीयर हो रही है। मेरे को ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये रो और कॉलम की तरह चाहिए। तो मुझे क्या करना है, हर जब भी एक एक फर्स्ट रो का लूप एग्जीक्यूट होगा तो मुझे क्या देना है, हर एलिमेंट को प्रिंट करवाने के बाद एक टैब की स्पेस देनी है। जब एक कॉलम का लूप एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाए पूरा और नई रो में आए तो मुझे नई लाइन में आ जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट एफ स्लैश एन। इसका मतलब होता है कि भैया प्रिंट करवा के एक कंप्लीट होने के बाद क्या आ जाओ, नई लाइन पे आ जाओ। ठीक है, देखो रो साइज कॉलम साइज 00 12 13 2 3, देखो 12 13 2 3 डन। तो इस तरह से इसका क्या हो रहा है, आपका पूरा एक रो का एंटर हो रहा है। अब लेट्स से इसी में मुझे क्या करना है, ओरिजिनल एरे प्रिंट करा मैंने, उसके बाद मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, अब मुझे ट्रांसपोज का लॉजिक लिखना है। ट्रांसपोज क्या होता है, देखो ट्रांसपोज करना क्या होता है, ये कह रहे लेट से 1 2 3 4, ये एरे इसका अगर मुझे ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करना है यानी 1 3, वेरी गुड, रो कॉलम कॉलम रो हो जाएगा ये। तो यानी कि जो 00 था ये 00 था, ये 01, ये 10 और 11, 00 तो 00 ही रहा। ठीक है,
जो 10 था वो यहाँ पे क्या हो गया, 01 हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि ए आई जे जो है वो उल्टा होके क्या हो रहा है, बी जे आई हो रहा है, जे और आई चेंज हो रहे हैं। देखो ये जो था इधर 1 था, आई 1 था और जे 1 था, जे 0 था, यहाँ पे क्या हो गया, आई 0 हो गया और जे 1 हो गया। यानी कि आई और जे की वैल्यू क्या हो रही है, ट्रांसपोज में इंटरचेंज हो रही है, मतलब रो कॉलम हो रहा है और कॉलम रो हो रहा है। तो मुझे क्या लिखना है, ये वाला लॉजिक लिखना है, तो मैं इस वाले लॉजिक को लिखूंगी अब, ठीक है। तो अब हमको क्या लिखना है, इस तरह का ट्रांसपोज का लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और एक एरे ले रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम हम लोग दे रहे हैं ट्रांस, क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग ट्रांसपोज स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोज का एरे होगा वो किसके बराबर होगा, रो और कॉलम के बराबर होगा, ठीक है। ये जो रो और कॉलम होगा इसी के बराबर होगा। तो अभी मैं इसको क्या कर रही हूँ, ब्लैंक एरे ही क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। डन, क्रिएट हो गया ये ब्लैंक एरे। अब मैं यहाँ पे किसका लॉजिक लिख रही हूँ, ट्रांसपोज का लॉजिक लिख रही हूँ। तो लॉजिक ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने का लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज में भी क्या होगा, रो और कॉलम का लूप तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ट्रांसपोज किसका होगा, रो और कॉलम का ही होगा। डन, क्या करना है मुझे, ट्रांस ऑफ आई जे में, ट्रांसपोज के आई जे में किसको स्टोर करवाना है, जो मेरा ओरिजिनल एरे ए है उसके रो को और कॉलम को इंटरचेंज करके स्टोर करवाना है। यानी मैं आई जे में किसको स्टोर कर रही हूँ, जे आई को स्टोर कर रही हूँ। देखो ट्रांस के आई जे में किसको स्टोर कर दो, जे आई को, ये ट्रांसपोज हो गया। अब मेरे को फिर से प्रिंट करवाना है ओरिजिनल एरे की जगह, मुझे आफ्टर ट्रांसपोज का एरे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब मैं प्रिंटिंग कर रही हूं, इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल एरे मैं लिख रही हूं आफ्टर ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज के बाद जो एरे स्टोर हुआ है वो ए के अंदर नहीं है, वो किसके अंदर है, ट्रांस के अंदर है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, ट्रांस लिख रही हूँ। दैट्स इट, हो गया ये हमारा, सेव कंपाइल एंड रन। देखो रो साइज इज 2, कॉलम साइज इज 2, 0 पे ले लिया 1, 01 पे ले लिया 2, 3 एंड 4। देखो 1 2 3 4, 1 3 2 4 हो गया ट्रांसपोज, जो हमने देखा था वो का वो आउटपुट आ गया। कैन यू कंपेयर द आउटपुट, है ना। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ एरे। हमने क्या करा, 2D एरे पे ट्रांसपोज कर दिया। तो ये हमने क्या करा, 2D एरे का ट्रांसपोज। सिमिलरली हम लोग एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे एडिशन करना है 2D एरे का, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2x2 का। अगर मेरे को सबसे पहले रो और कॉलम को चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करूंगी मैं, अगर एडिशन है तो यहाँ पे भी 2x2 की मैट्रिक्स होगी और यहाँ पे भी 2x2 की मैट्रिक्स होगी। तो लेट से ये ए वाली मैट्रिक्स है और ये बी वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं क्या कंपेयर करूंगी, जो रो 1 है, लेट से इसका रो 1 है और इसकी रो 2 है। अगर रो 1 और रो 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, है ना। एंड क्या होता है, लॉजिकल एंड, मतलब दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। कॉलम 1 इक्वल होगा किसके, कॉलम 2 के। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, वरना एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब जब एडिशन करवाना है तो क्या करेंगे, एक और सी नाम का एरे लेंगे जिसमें हम लोग आउटपुट स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, फोर लूप के अंदर हम लोगों का जो लॉजिक आएगा वो क्या आएगा, सी ऑफ आई जे में क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है
उसके आई जे को जो उसकी जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम है उसको क्या देना है, प्लस देना है बी मैट्रिक्स के आई जे से, जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम से। सिमिलरली अगेन जे प्लस प्लस हुआ जीरोथ कॉलम वन रो, तो इस तरह से है ना ये पूरा क्या होगा एग्जीक्यूट होगा एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन और एडिशन का। सिमिलरली अगर मैं है ना मल्टीप्लीकेशन की बात करूंगी तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, हमारा लॉजिक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर कॉलम वन रो टू के बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है और मल्टीप्लाई का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जितनी भी चीजें है ना इसमें जो आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो सब आप प्रोग्राम्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ये पूरा आपका क्या हो गया, 2D एरे हो गया इन योर डेटा स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं, एजेंडा अगर मैं नेक्स्ट क्लास का डिस्कस करूं तो हम लोग स्टैक पढ़ने वाले हैं। स्टैक और क्यू दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो एरे पे ही बेस्ड हैं। ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर जो हैं बेस्ड ऑन एरे, मतलब हम इन दोनों में क्या क्रिएट करेंगे, 1D एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये कैसे वर्क करते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंट पैटर्न है वो है इंसर्शन में। अब ये एरे से कैसे डिफरेंट है, जो एरे होता है ना उसमें आप मिडिल से, हमने ठीक है 1D एरे में तो इंसर्ट कर लिया, बट 2D एरे में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि आप मिडिल में इंसर्ट करो या फिर डिलीट करो, पॉप आउट करो, ये सब चीजें एरे में पॉसिबल नहीं होती है। तो इसका फॉरमोस्ट इसमें क्या हुआ, 2D एरे में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग आगे जाके क्या पढ़ेंगे, स्टैक क्यू, ये स्टोरेज के तरीके होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि हम डेटा को किस तरह से स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, तो मतलब कौन से पैटर्न पे स्टोर कर रहे हैं। दो तरह के पैटर्न होते हैं, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फीफो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टैक होता है वो लीफो पे बेस्ड होता है और जो क्यू होता है वो फीफो पे बेस्ड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे अपन एक लाइन में खड़े होते हैं, अगर आप सपोज करो मूवी टिकट की लाइन में खड़े हो, तो अगर आप पहले है ना चले गए मूवी टिकट लेने, पहले हो गए लाइन में, तो आपको पहले टिकट मिलेगा। तो क्यू किसकी तरह होती है, उसी का एक क्यू का एग्जाम्पल है, रियल टाइम में जो हमारी क्यू होती है ना, लाइन जो होती है वो वाला, तो वो फीफो, जो पहले आया उसने पहले पाया। तो इस तरह से क्यू और स्टैक का हम लोग पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे।